दशम श्रेणी रे अध्ययनरत समस्त छात्र छात्री मानू स्वागत। आज आम पे आलोचना करिबा माध्यमिक व्याकरण एवं क्रम आम पूर्व आलोचना करिचे वाक्य विचार सत्व विधि। आज आम आलोचना करिबा अणंत्व विधि। दशम श्रेणी व्याकरण निमन्ते अणंत्व विधि निश्चित भाव एक गुरुत्वपूर्ण विभव। ए संपर्क में छात्र छात्री माने निश्चित भाव अवगत होगा वांछनीय। यही क्रम आज आम आलोचना करिबा अणंत्व विधि एवं पुंखानुपुंख भाव यार सरल सूत्र गुड़ी पे जाणिनवा। तेज आसतु प्रथम कर आलोचना करिबा। प्रथम पे कहुई अणंत्व विधि। प्रश्न आसी पार अणंत्व विधि क्या कहुए यार उत्तर आम लिखिपर नर अण हेबा विधि को अणंत्व विधि कहुए। आउ थे कहीदे नर अण हेबा विधि को अणंत्व विधि कहुए। जोटी न अण हो पार जो नियम अनुजाई से नर अण हेबा विधि को कहुए अणंत्व विधि। यह अनुसार आम आलोचना करवा जे क्यों नियम अनुजाई अणंत्व विधि प्रयोज्य नुहे। प्रथम तामें आलोचना करवा आम एठार लिखीचे केते गुड़िए शब्द आम एठार आलोचना करवा मदन दान दिन दिन मुन प्रसून फेन एवं दैन्य। यही क्रम प्रथम आलोचन देखा पाने नियम अनुसार अणंत्व विधि हो पारे ना ना आसतु आलोचना करवा। कि कह अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ एवं ए ऐ यही स्वर वर्ण पर न थिले सेठारे अणंत्व विधि संभव नुहे। आउ थे कहीदे अकार आकार हर्षईकार दीर्घईकार हर्षऊकार दीर्घऊकार एकार एवं ऐकार यही स्वर वर्ण मानक जदि न आसे ताले सेठारे न अपरिवर्तित रहिबो अणंत्व विधि हो पारना। उदाहरण स्वरूप मदन जदि मदन को आम भांगा यही क्रम म अ द अ न अ स्वरवर्ण साहाज्य ही व्यंजन वर्ण उच्चारित होता है एणुक कहगला न रान ये निश्चित भाव अ तेणु एटारे अही न अपरिवर्तित होला एवं एठार मदन ही यथाविधि मदन रहिला। एठार अणंत विधि संभव नुह कई अकार पर न थवर एठार अणंत विधि है मदन यथाविधि रहा। पुनश्च आम आलोचना करवा दान दान द आ न अठारे आ पर न रुचि जदि आम दान को भांगुचे द आ न अ यही क्रम न पूर्व आ रुचि आ स्वर वर्ण पर न थे एठार अणंत विधि संभव नुहे। यह कहुई तेणु दान अपरिवर्तित रही आउर मध्य कहुई पे दिन हर्षईकार दिन द इ न इ रही न पूर्वर तेणु कहुई यही स्वरवर्ण मानक पर न थे अणंत विधि हम ना तेणु इ पर न थवर एठार अणंत विधि संभव नुहे यथाक्रमे दिन बोली लिखा जा। आउर मध्य आम आलोचना करवा आम व्याकरणगत नियम दृष्टिकोण जहाँ ही आम बही दि जा दिन दीर्घईकार कहुई पे तेणु दिन को आम भांगा एक क्रम द दीर्घई न तेणु न पूर्व दीर्घई अच्छी कहुई दीर्घई दीर्घई स्वर वर्ण पर न थे एठार अणंत विधि हम ना ता दिन दिन भाई रही तेणु कहगला इ कार पर न थवर एठार अणंत विधि संभव नुहे। आउर मुन से भाव म उ न न पूर्व हर्षोकार रही हर्षोकार स्वर वर्ण पर न थे एठार अणंत विधि हम ना। आउर कहगला प्रसून आलोचना को जीवा प्रसून प्रसून को आम भांगे प र स उ न यही भाव देखा बोले न पूर्व दीर्घऊ अच्छी तेणु कहुई दीर्घऊ स्वर वर्ण पर न थे एठार अणंत विधि हे ना तेणु यह प्रसून यथाविधि रही अच्छी। से भाई भाव देखा फेन फेन कहुई फ ए न अ तेणु न पूर्व एटारे ए अच्छी ए एक स्वरवर्ण तेणु ए स्वरवर्ण पर न थे एठार अणंत विधि हम ना ता फेन ही अपरिवर्तित रही। आउर मध्य कहुई दैन्य तेणु दैन्य को आम जमी भांगुचे द ई न य अ भाव
आम न पूर्व ऐकार पाचे यह एक स्वरवर्ण ऐकार स्वरवर्ण पर न थे यठार अणंतविधि हो पारना यह अपरिवर्तित रही दैन्य यही भाव आम आलोचना कले एथुरु निष्कर्ष रे आमी पहुँचिले जे नर अण हेबा विधि को अणंत विधि कहा जाए प्रथम कथा एवं द्वितीय कथा हेला एही स्वरवर्ण माने यथाक्रमे अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए ऐ आदि स्वरवर्ण परे न अण हुए नाही एही क्रम रे आमी आलोचना कले जे प्रथम एवं द्वितीय कथा अठारु अ आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ ए ऐ एही स्वरवर्ण मानक परे न थिले सेठारे अणंत विधि संभव नुहे एबे आसंतु एबे आमे आलोचना करबा अणंत विधिर द्वितीय धाड़ी एठारे पिला माने कुहा जायछि एक पद मध्य रे रु र स एहा परे न थिले ण हुए अर्थात एक पद मध्य रे रु र स परे जदि न थाए तबे ताहा अण रे परिवर्त होई अणंत विधि हुए कुहा जायछि एक पद मध्य रे रु र एवं स परे जदि न थिबो ताले से न स्थान रे ण हेबो एवं एहा अणंत विधि हे पारिबो ताहार नियम को मध्य आमको देखिबाक पड़िबो कुहा जायछि आसंतु आलोचना करबा आमे केते गुडी शब्द लिखिचे ऋण को आमे लिखिचे ऋण ऋण को आमे भांगिले रु न अ व्यवहार करा जायछि तेणु रु निश्चित भाव न पूर्व अच्छी न पूर्व रु अच्छी से कह जा रु पर न थे सेठे अणंत विधि हम तेणु यह ऋण हो द्वितीय कथा देखा तृण त रु न अठार भाव रु स्वरवर्ण पर न अच्छी तेणु एठारे अणंत विधि संभव तेणु रु पर न थवे तृण संभव होेणु यह अणंत विधि हो देखा मसृण यही मसृण को आम भांगे म स रु न अठार कह रु पर न अवस्थान करूार अणंत विधि यह मसृण हो देखा जीर्ण जीर्ण ज इ र न अठार र परे न अवस्थान करुछि पूर्वोक्त नियम अनुसार रु र स परे न थिले न स्थान रे ण हबो एवं अणंत विधि हबो तेणु एठारे र परे न थिबार एहा मध्ये अणंत विधिर अंतर्गत अटे तेणु जीर्ण होइछि जाहाकु कहयौछि आमे उच्चारण करुछे जीर्ण आउर मध्ये कहि परिबा कृष्ण कृष्ण को आमे देखिले क रु स न अ एठारे मूर्धन्यस्य परे न अवस्थान करुछि आमे पुणि से नियम को गले रु र एवं मूर्धन्य स परे जदि न अवस्थान करुथाय सेठारे अणंत विधि अनुसार ण हबो तेणु से अनुसार कृष्ण रे आमे देखिले जे मूर्धन्य स परे न अवस्थान करुथवारु एठारे मध्ये अणंत विधि संभव एठारे कृष्ण करागला आउर मध्ये देखिबा भाषण एठारे भ आ स अ न अ एठारे गोटे स्वरवर्ण थिले मध्ये स परे न र अवस्थान थिबारु एहा पूर्वोक्त नियम अनुसार मूर्धन्यस न पूर्व थवे निश्चित भाव अणंत विधि संभव होने भाषण यही भाव आम यार द्वितीय पर्याय आलोचना कले आसतु आम आलोचना करवा यार तृतीय भाग एवं आसतु आम आलोचना करवा अणंत विधि तृतीय पर्याय यही पर्याय आम देखा किभली भाव तार तीन नंबर कह एक पद मध्य रु र मूर्धन्यस परे न थिले किंबा स्वरवर्ण क वर्गर क ख ग घ म प वर्गर प फ ब भ म ज य व एवं ह परे न थिले ण हुए एक किंबा एकाधिक वर्णर व्यवधान थिले मध्य न र ण हि पारिबो कह जायछि अर्थात यह सरलीकरण कर आम आउ थे कह आलोचना कले एक पद मध्य रु र एवं मूर्धन्य स परे न थिले किंबा स्वरवर्ण थिबो एवं जदि मझे वर्ण व्यवधान आम कहचे क वर्ग थिबो क ख ग घ उ एई
भितर के किंबा प वर्गर प फ ब भ म यही अक्षर गुड़िक मझे थी अथच ज थी किंबा य थी कि ओ थी अथच ह थी एवं स्थल विशेष अनुसार व्यवहार हो पार जदि तक न आसे ताहले से णंतुविधि हो पार नर अण हो पार यही वर्ण व्यवधान एक किंबा एकाधिक वर्णर व्यवधान थिले अणंत्यविधि हो पार यहाँ उदाहरण को गले आम यहाँ सरल और प्राजल भाव निश्चित रूप जापर आसतु कहुई प्राण आम जब प्राण को भांगुचे प र आ न अ कहगला तेबे आम पूर्वोक्त नियम अनुसार र पर नए अणंत्यविधि हम प्राण हम किंतु एठार र पर आ अच्छी पूर्वोक्त नियम को आम आसवा से कहले रु र मूर्धन्यस थिले से कहले एक पद मध्य रु र मूर्धन्यस पर नए अण हम किंतु एठारे र पर आ आसुची किंतु कहुई स्वर वर्ण जदि थाए सेठार वर्ण व्यवधान तथापि अणंत्यविधि हम अर्थात र पर सीधा सड़क भाव में ना अणंत्यविधि हाँपाई कि मझे आ रही स्वर वर्ण वर्ण व्यवधान स्वर वर्ण मध्य यह अणंत्यविधि हो पार से प्राण से अणंत्यविधि संभव है स्वरवर्ण एठार स्वरवर्ण अच्छी आम कह कि स्वरवर्ण थे मझीरे सेठार अणंत्यविधि हो जापर आउ एक आलोचना को आम पे जा मार्गण कह मार्गण को आम भांगुचे म आ र ग अ न अठार देखा जे न पूर्वर अ अच्छे ता पूर्वर ग अच्छी एठार धरी निपर जे ग होची क वर्ग अंतर्गत निश्चित भाव कह वर्ग क ख ग ग उ ग एठार एठार क वर्ग अंतर्गत ग थी ग पर न थी एठार निश्चित भाव अणंत्यविधि संभव होठारे ग अच्छी क वर्ग अंतर्गत ग एवं पूर्वर थी आम जो कहते स्वरवर्ण आ पर न अच्छी एठार ग पर न अच्छी तेणु यह क वर्ग अंतर्गत वर्ण थवे अणंत्यविधि होठार स्वरवर्ण थी मध्यभागे अणंत्यविधि आसतु आलोचना करवा आउ एक दर्पण कहगला दर्पण आम शब्द को भांगुचे द अ र प अ न अ जो दर्पण आम कौचे एठारे प आम जो कौचे प वर्गर प अच्छी तापर न थी प वर्ग अंतर्गत प थी एठार अणंत्यविधि संभव होमें यह कौचे आहुरी कहपर अपराह एठार देखा कथा अपराह अर्थात अप अ र आ ह न अ अर्थात न पूर्वर एठार ह थी यह संभव अपराह आम कौचे अपराहण आम कौचे यार जो उच्चारण अपराहण कि भाव निश्चित भाव न पूर्वर ह अच्छी एठार कहुई जदि ज थी य थी ओ थी ह थी तापर जदि न आसे से न निश्चित रूप न हो से नियम अनुसार अपराह आम एठार ह पर न आसी तेणु यह अणंत्यविधि हो पार यह आम आलोचना करवा अणंत्यविधि संपर्कित चतुर्थ नियम एवं यही नियम कहुई एठारे णर अवस्थान स्वाभाविक अटे एवं व्याकरणगत नियमर व्यतिक्रम यह भाव स्थल विशेष आम भाषा देखा जाए केते गुड़े शब्द व्याकरणगत नियमर बहिर्भूत अटंती एवं स्वाभाविक भाव से माने से नियमर अंतर्भुक्त नुहंती एवं से भाई केतेक शब्द निश्चित भाव आम एटारे आलोचना करवा आसतु कहुई अणा चाणक्य बाणी से भाई भाव अणाकार चाहणी बीणा आर मध्य आण जणाण बेणी कणा टाण बेणु कणिका निशाण मणि काणी पाणी एवं मणिमा आर मध्य कहुई खुण फेड़ाण मणिष गणना
बण एवं मशाणी गुणन बाण हईराण एगुड़िक अणर अवस्थान स्वाभाविक एमानक मध्यरे तेणु व्याकरणगत नियमर एमाने व्यतिक्रम एइबले भाबरे ए शब्द गुड़ी को आमको मन रखिबा को हबो निश्चित भाबरे।